जैसे जैसे सुब्रत पाठक और डिंपल यादव के बीच मतों का अंतर बढ़ रहा था, वैसे ही सपा के खेमे में हलचल बढ़ती जा रही थी। इस सीट पर अखिलेश यादव के साथ ही मायावती ने भी डिंपल के समर्थन में जनसभा व लोगों से पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील की थी। साथ ही मायावती ने डिंपल यादव को आशीर्वाद देकर अपने परिवार का सदस्य भी बताया था। देर रात आए नतीजों से गठबंधन खेमे में गम की लहर दौड़ गई। पिछले कई वर्षों से सपा का गढ़ रहे कन्नौज में भाजपा के सुब्रत पाठक ने अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को करारी शिकस्त दी है। हालांकि हार का अंतर करीब 5000 मतों का ही रहा, लेकिन इस हार से सपा को तगड़ा झटका लगा। वहीं सुब्रत पाठक ने इस जीत के साथ इतिहास लिख दिया। सुब्रत पाठक को 5,56,886 और गठबंधन प्रत्याशी डिंपल यादव को 5,86,388 वोट मिले हैं। भाजपा के सुब्रत पाठक 10,498 मतों से आगे हैं। हार के बाद डिंपल यादव ने ट्वीट कर कहा कि मैं विनम्रता के साथ जनादेश को स्वीकार करती हूँ और अपनी सेवा का अवसर देने के लिए कन्नौज को धन्यवाद देती हूँ।